Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं construction simulator. पता है guys, बचपन में कहीं पर अगर construction work चल रहा होता था ना, तो मुझे उसे देखने में बहुत मजा आता था. मतलब बीच में तो एक ट्रेंड भी वायरल हुआ था, JCB की खुदाई. सारे बंदे बैठकर बस ये देखते थे कि एक क्रेन मिट्टी कैसे खोद रही है. तो आज जो मैं गेम खेलने जा रहा हूँ ना, इस गेम में यही सब कुछ होने वाला है. हम लोग प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाले हैं. हम लोग बड़े बड़े ब्रिज बनाएंगे, बड़े बड़े रोड बनाएंगे, रोड रिपेयर करेंगे, बिल्डिंग्स तोड़ेंगे, सब कुछ होने वाला है इस गेम में. लेट्स गो, चलते हैं गेम में. ऑलराइट गाइस, तो हम लोग अपनी नई कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करने जा रहे हैं. तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना होगा. और ये तो एक लड़की है, इसने बॉयकट करवा रखा है. निकले ये बंदा थोड़ा ठीक लग रहा है, बट कुछ ज्यादा ही फॉरनर वाइब है. तो तू तो बच्चा लग रहा है मेरे को. ये बंदा थोड़ा ठीक लगा है मुझे. और ये भी लड़की है, ये भी लड़की है, सारे फॉरनर्स ही है, कोई इंडियन नहीं है क्या यहाँ पे? ओ वेट, ये बंदा मेरे को फुल इंडियन लग रहा है. तो हम लोग ये कैरेक्टर लेने वाले हैं नेक्स्ट. तो मैं इसके अपीयरेंस भी चेंज कर सकता हूँ. यहाँ पर इसका जो बेस कलर है ब्लैक, येलो थोड़ा ठीक लग रहा है, बट नहीं यार, मुझे कुछ अच्छा सा कलर ढूंढना होगा. ब्लू भी ठीक है, बट ब्लैक ही सही था यार, सच बताऊं तो. हम लोग ब्लैक कलर ही सिलेक्ट करते हैं. पीपीई कलर यानी हेलमेट का कलर. यस, हेलमेट का कलर तो यार देखो येलो ही होना चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए. एंड हेलमेट भी यहाँ पर एक दो टाइप के हैं क्या? तो उससे बंदे का सर दर्द हो जाएगा. डन, तो हेलमेट तो एकदम मस्त सिलेक्ट हो चुका है. अब है हियरिंग प्रोटेक्शन. मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर में बहुत शोर होता है, कहीं ड्रिलिंग चल रही होती है, कहीं पर ठोका ठाके चलते ही रहती है. तो उसके लिए हमें कुछ तो पहनना होगा. ये हेडफोन है येलो कलर के, मस्त लग रहे हैं वैसे यार. ब्लैक, यार ब्लैक ज्यादा प्यारे लग रहे हैं. मतलब ब्लैक येलो थीम अच्छी लग रही है, तो ठीक है. ग्लासेस पहन लेते हैं, धूल मिट्टी भी उड़ती है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को. और कुछ ढंग के नहीं है यार, वेट, ये व्हाइट वाले ही पहनने पड़ेंगे. ये नहीं यार, चोमू लग रहे हैं थोड़े से, व्हाइट वाले लेकिन बहुत सिंपल लग रहे हैं, तो चोमू ही ठीक है. बाद में खरीद लेंगे नए आएंगे तो. एंड यहाँ पर ये कुछ डेकल्स हैं जो कि मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ. नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा, आई थिंक सिंपल हेलमेट ही अच्छा है यार. ऑलराइट, तो कैरेक्टर फुल रेडी हो चुका है. अभी बस मुझे इसका नाम डालना है, जो कि है उज्ज्वल. एक्सेप्ट क्रिएट अ न्यू कंपनी. नेक्स्ट यूएसए में खोले या फिर यूरोप में? यूएसए चलते हैं यार, यूरोप मन नहीं है. चूज अ कंपनी लोगो. ओ नाइस, तो हम लोग अपनी कंपनी का एक लोगो भी चूज कर सकते हैं, जो कि हमारी आउटफिट पे आएगा. वैसे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट सबसे अच्छा और सबसे अट्रैक्टिव मुझे एक पहला वाला लग रहा है और एक ये वाला लग रहा है, तो यही ठीक है, ये नेक्स्ट वाला करते हैं. अब कंपनी का नेम डालना है, तो सिंपल नेम रखते हैं प्रो कंस्ट्रक्शंस. नहीं यार, ये बहुत बेसिक हो रहा है. एक काम करते हैं उज्ज्वल कंस्ट्रक्शंस, नहीं टेक्नो कंस्ट्रक्शंस, ये बढ़िया नेम है भाई, टेक्नो कंस्ट्रक्शंस. लेट्स गो, कंपनी फुल रेडी है. ऑलराइट गाइस, तो अपना गेम काफी प्यारे टाउन से स्टार्ट हुआ है. और लिटरली ये मेरे को GTA 5 वाली वाइब दे रहा है, जैसे उसमें एक ग्रूव स्ट्रीट नहीं होती जहाँ पर बिलास गैंग रहती है. ये कुछ वैसा सा एरिया है, बट हाँ काफी साफ सुथरा है. तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, वन हॉर्स टाउन. अच्छा, ये इस टाउन का नाम है. वन समर मॉर्निंग यू वेक अप इन योर स्मॉल होम टाउन इन द डिस्टेंस द रूफ टॉप ऑफ अ स्वेल्टरिंग सिटी फ्लैश इन द लाइट ऑफ द सन. ठीक, मुझे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बस गेम खेलना चाह रहा हूँ. और ये है अपना कैरेक्टर. हम लोग ये शायद से हमारा घर है, हम लोग सोकर उठ चुके हैं. और सचमुच में छोटा घर है, बट हाँ बहुत ज्यादा प्यारा घर है. देख रहे हो, मतलब इतना ज्यादा प्यारा है कि बंदा जूते भी घर के बाहर उतार के अंदर जाता है. तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत शहर घूमना चाह रहा हूँ. अच्छी, कितने गंदे तरीके से भाग रहा है भाई ये, चल एकदम मस्त रहा है जैसे भगा रही है भाई. कुछ कॉमन सेंस रखो यार, 20-30 साल के हो रहे हो. बाकी यार यहाँ पर मेरे को लग रहा है अगल बगल बंदे अमीर अमीर रहते हैं. यहाँ पर इसकी इतनी तकड़ी कार खड़ी हुई है, वो भी एक नहीं दो दो कार है बंदे के पास. ये वाली कार भी ठीक ठाक है. और ये वाला घर तो फोर सेल है, ये बिकने के लिए लगा पड़ा है. और ये वाला बंदा मेरे को अमीर लग रहा है यहाँ पर. ये देख रहे हो, घर के पीछे एक छोटा सा पूल बना रखा है, शायद इसमें इसने फिश वगैरह पाल रखी होगी. बच्चों के खेलने का भी एकदम मस्त एरिया है. नाइस यार, काश ऐसा घर हमारे पास भी हो, वो भी रियल में, अलग ही मजा आ जाएगा. बाकी ये, अरे आंटी जी इतना बड़ा घर है यहाँ पर धूप में बैठने की क्या? शायद धूप सेक रही होगी. ठीक है, मस्त ट्रैम्पोलिन वगैरह लगाया हुआ है. मैं करके आ रहा हूँ, मेरे को कंस्ट्रक्शन करनी है और मैं शहर में घूम रहा हूँ, क्योंकि अच्छा इतना लग रहा है यार ये शहर. मतलब एकदम भरा हुआ नहीं है, एवरेज पॉपुलेशन है, थोड़े बहुत लोग अपने यहाँ पर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं. वहाँ पर सामने दूर एक प्लेन जा रहा है, और कितना ज्यादा पॉल्यूशन कर रहा है वो. बट अच्छा लग रहा है जो भी है फिलहाल. हाँ, मेरा फर्स्ट टास्क है स्पीक विद हेप. हेप करके कोई बंदा है, मुझे चलकर उससे बात करनी है. हेलो, ये दोनों लोग यहाँ पर सहेली हैं आपस में. अरे वेट भाई साहब, सच में मैं कुछ महंगे मोहल्ले में रहता हूँ. फरारी खड़ी हुई है, मतलब फरारी नहीं है बट कोई तो सुपर कार है यार, ये अच्छी सी दिख रही है यार. सचमुच में बहुत ज्यादा प्यारी कार है. मेरा भी कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन छोड़कर गाड़ी चलाने का मन कर रहा है। ये बंदा भी कुछ अमीर है, घर के पीछे एकदम मस्त स्विमिंग पूल बना रखा है। और ये यहाँ पर इन दीदी जी का घर है। यहाँ से निकलते हैं यार, अभी मैं चलता हूँ हेप के पास वहाँ पर। अरे ये कैसी जाली है भाई, टाप कैसे नहीं पा रहा? इतनी तो हम लोग स्कूल में निकल लेते टाप टाप के। मजाक कर रहा हूँ, मैंने नहीं करा ये सब कभी। अट जा, मेरे को भाग के जाना है रस्ते से। अरे अरे भाई, बॉडी बिल्डर है, मारेगा ही यार। मैं हल्का सा दीवार टाप के आया था, बट अभी वापस जाने में तो मैं बिल्कुल थकावट सी हो रही है। भाई सब राइट साइड से सुपर कार जा रही है, एक मस्त वाली है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं भागता हुआ किसी दूसरे रास्ते से वहां पर मैं पहुंचने वाला हूँ। ओके, मैं काश इस दीवार को टाप दूं बस। नहीं, पहले मैं चढ़ता हूँ यहाँ पे, फिर जाता हूँ उधर। ओह नाइस, ओके। तो मैं भागता हुआ वापस से आ चुका हूँ अपने घर के पास। और ये है वो बंदा जिसे मुझे बात करनी है। इसका नाम है हेप, इससे बात करते हैं। ओके, good to see you again. Okay. Your active help is most welcome. Thank you. I'm having a tough time keeping up with all the work. Do you know how many people around here are frustrated and thinking of moving? Altu ki baat kar raha hai. Kaam bata mere ko kya karna hai? Pipeline in the north. 25%. Construction stage is as transport. ओके, एंटर द ट्रैक्टर। तो मुझे भी इस ट्रैक्टर, इसे तो हम लोग ट्रक बोलते हैं, इसे ट्रैक्टर कहते हैं क्या? मैं हम कौन सी भाई गलत फहमी में जी रहा हूँ। मैंने ये ट्रक ही बोला, पागल है, ये ट्रक है। इस ट्रक को मुझे लेकर जाना है कहीं पर, कोई पाइपलाइन में दिक्कत आ गई है। तो ये जो हेप है ना, ये शायद से हमें काम वगैरह देगा। अब सीधी सी बात है, हमने नई कंपनी खोली है तो हमें अलग अलग जगह से काम आने वाला है। तो 480 माइल्स दूर कोई जगह है, वहां पर शायद से हमें कोई पाइप लेनी है और उस पाइप को लेकर जाना है, जो पाइप खराब हुई है उसे रिपेयर करने के लिए। ठीक है, चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं है। 500 मीटर था शायद, माइल्स नहीं था, मैंने ज्यादा ही बोल दिया, बट जो भी है हम लोग वहां पर पहुंच चुके हैं। और ये शहर छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, बट हाँ बहुत ज्यादा प्यारा शहर है भाई। मतलब एकदम हरियाली, दूर दूर तक ग्रीनरी नजर आ रही है, कुछ पोल्यूशन गंदगी कहीं नहीं है। और वेट, हेलो, ये मेरा फर्स्ट मिशन है। एक सेकंड, मेरे को गाड़ी से ना पहले तो बाहर निकलना है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, ये जो आप बड़ा वाला ट्रक देख, ट्रक नहीं है, ट्रेलर है। इस ट्रेलर के ऊपर ये देखो, ये जो पाइप है ना, ये सही पाइप है, ये रखा हुआ है। इस सही पाइप को हमें लेकर जाना है उस जगह पर जहाँ पर एक पाइप खराब हुआ है, उससे हमें इसे रिप्लेस करके रिपेयर कर देना है। बाकी ये इतना ज्यादा बड़ा ट्रेलर है कि इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टायर लगे हुए हैं इस तरफ में। और ये भी सिंगल टायर नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये डबल डबल है, यानी 16 टायर इधर 16 टायर इधर, 32 टायर्स हैं ट्रेलर में। और ये कितना ज्यादा हैवी होगा यार, ये लो 36 भी नहीं है, एक इसके ऊपर भी लगाया हुआ है। ये वर्किंग नहीं है, बट जो भी है इसमें 33 टायर्स हैं। फिलहाल अभी मैं अपने इस ट्रक को पीछे मुड़ता हूँ, मुझे इसे अटैच करना होगा उसके साथ और इसे लेकर चलना है। वेट, ये सब काम ना बहुत आराम से करने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से मैं इसे एकदम पीछे लेकर जाने वाला हूँ। ये सब काम मैंने GTA में बहुत करा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कह सकते हो हाँ मैं प्रोफेशनल हूँ। लेट्स गो, एकदम सही पोजीशन पे आए, इसे अटैच कर लेते हैं। ट्रक चलने के लिए रेडी है, मेरे को अटैचमेंट दिखा रहे हैं कैसे हुई है। सचमुच में भाई ये ट्रेलर बहुत ज्यादा बड़ा है, और अभी इस ट्रक को चलाने में ना बैंड बजने वाली है। लेट्स गो, उसको लेकर यहाँ से निकलते हैं। ट्रक बहुत ज्यादा हैवी हो चुका है भाई, मेरे को फील हो रहा है लिटरली। वो पहले जब मैं रेस दे रहा था ना तो बहुत स्मूथली चल रहा था, बट अभी रेस दे रहा हूँ ना तो उससे पता चल रहा है कि खींचने में कितना टाइम जा रहा है। और अच्छी बात तो ये है कि हमें इसे लेकर ज्यादा दूर नहीं जाना था, बस यहीं पीछे वाली गली में आना है। और यहाँ पर थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, बेचारों के घरों में पानी नहीं आ रहा होगा 3-4 दिन से, पाइप जो खराब हुई है। लेट्स गो, यहाँ से मेरे को ट्रक मोड़ कर यहाँ पर पार्क करना है इस ब्लू एरिया के अंदर। परफेक्ट, बस बस बस, नाइस। तुम्हारा भाई अभी देखने का चुटकियों में ठीक करता है, ये वाली पाइप टूटी हुई है। डन, इसको भी बंद करते हैं। बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से टूटी है, किसी बच्चे ने ना इस पर बॉल फेंक के मारी है। नहीं बहु, शीशा थोड़ी यार ऐसे टूट जाएगा, बट हाँ जो भी है कुछ खतरनाक तरीके से टूटी है तो मुझे रिपेयर करना ही होगा। अभी सबसे पहले तो देखो मुझे निकलना है अपने इस वाले ट्रक से बाहर, ठीक है, क्योंकि पाइप को रिपेयर करने से पहले मुझे उस बड़ी वाली पाइप को वहां से रिमूव करना होगा। और उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये वाली क्रेन है, और ये क्रेन को देख के ही मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। इसमें बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे, ये देखो इसका नाम है मोबाइल क्रेन। मोबाइल क्रेन आर यूज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स और ऑन द रोड टू लिफ्ट हैवी रोड्स टू एलिवेटेड पोजीशन। ठीक है, मुझे ज्ञान मत दो, मेरे को पता है। तो अभी सेट द मोबाइल क्रेन टू फंक्शन मोड। ठीक है, पहले मुझे इसे फंक्शन मोड पे डालना है, अभी ये मतलब वर्किंग मोड पे, अभी चलने के लिए फंक्शन मोड पे डालने के लिए बस मुझे ऐसा करना है। और ये देखो यहाँ पर इसके जो ये पैर है ना, ये निकल कर आ गए हैं, और अभी ये जो क्रेन है ये हवा में उड़ चुकी है, यानी भी इसके टायर से मूव नहीं कर पाएगी, एक जगह पर फिक्स हो गई है। और अभी मेरे को इसका क्रेन उठाना है ना,
ये जो ऊपर वाला होता है, ओ वेट भाई क्या मस्त एकदम ऊपर से ड्रोन व्यू आ रहा है, लेट्स गो। मेरे को ना इसे ओपन करके उस पाइप तक ले जाना है और इसके कंट्रोल्स मुझे पहले पता करने होंगे। WASD से लिफ्ट क्रेन अप एंड डाउन, ADC रोटेशन एक्सटेंड करने के लिए एरो कीज एंड रिट्रैक्ट हुक करने के लिए ये और अटैच करने के लिए स्पेस। समझ गया मैं, बंद करो इसे, बंद करो प्रो मैस में। तो अभी मेरे को इसे पहले तो लेफ्ट करना है थोड़ा सा, ठीक है ये हो गया लेफ्ट, अभी यहाँ पर इसे रोकते हैं, परफेक्ट ठीक है लेफ्ट हो चुका है। अब मुझे इस क्रेन को बड़ा करना है तो अब मैं इसे करूंगा ऊपर को, लेट्स गो क्रेन। ये काफी स्लो प्रोसेस है बट तमीज में करने वाला है सब कुछ, धीरे धीरे अप हुआ है एंड आई थिंक हम लोग वहां तक पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और आगे, और अब थोड़ा सा मुझे रोटेट करना है बस। अभी मुझे इसे ना नीचे लेकर आना है किसी तरीके से, ऐसे नीचे आएगा ये, अरे वेट नीचे आने पे सीधी सी बात है वो आगे चले जाएगा, तो मुझे इसे थोड़ा सा और छोटा करना होगा। मैं पाइप तक इसे लेकर आ चुका हूँ, अभी मैं पाइप को अटैच कर सकता हूँ, नाइस रोप बंद गई है, अब मुझे इसे ऊपर लेकर जाना है। पाइप देखो मैंने रिमूव कर दी है बहुत अच्छे तरीके से, प्रो तो मैं हूँ इस मामले में थोड़ा सा। अभी कुछ पता नहीं है, पाइप गिर ना जाए प्लीज प्लीज प्लीज, आराम से आराम से। अभी मुझे इसे जमीन पर रखना है, पता चला अपने ट्रक पे ला के मार दी मैंने भिड़ जाएगी भाई बहुत तेज, तो इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, मुझे इसे पहले ना जमीन पर रखना कहीं, तो नीचे आ जा प्लीज, डन ये नीचे आ गई है, बस इसको यहाँ पर छोड़ देता हूँ मैं। अभी जो ठीक वाली पाइप में लेकर आया हूँ मुझे उसको उठाना है भाई, ये काम सचमुच में थोड़ा सा हैवी होता होगा यार रियल लाइफ में, बट मजा बहुत आता होगा, पर अगर किसी के सर्वर पे लग गई तो भाई बहुत दर्द होगा बंदा ही मर जाएगा यार ठीक है इसको ऊपर करा, अभी इसे लेकर जाना है वापस उस पोजीशन पे जहाँ से मैं इसको लेकर आया हूँ, राइट आई मीन लेफ्ट, आगे आगे आगे, चलो 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 चलो, परफेक्ट। अरे बस 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 बस, अरे भाई स्पीड ही पकड़ ली इसने तो अचानक से, ठीक है इसे डाउन करना है, डाउन बस वापस लेफ्ट को। अब मेरे को इसे पीछे खींचना है तो बस मैं इसे क्रेन को एक्सटेंड से वापस कम करूंगा, परफेक्ट कनेक्ट। चलो भाई ठीक पाइप लगा दिया है, मेरा नेक्स्ट टास्क है लोड दी डैमेज पाइप ऑन दी ट्रेलर, ठीक है। तो अभी जो खराब वाली पाइप है ना उसको यहाँ पर पड़े तो रहने नहीं देंगे, इसको फेंक के भी आना होगा, तो इसको लेकर चलते हैं, रिपेयर हो जाती होगी यार ये सब तो इसको उठा के बस मुझे जो ट्रेलर है ना उस पर वापस रखना है और समझ लो अपना आज का जो काम है वो हो जाएगा, परफेक्ट। इसको मेरे को उठाना है पहले ऊपर ले जाना है इसे, और ये उठा लिया ऊपर लेकर गए, एक्सटेंड करी क्रेन और हल्का सा बस राइट घुमा के उस ट्रेलर पे रख देना है ग्रीन वाले, बस 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 परफेक्ट परफेक्ट। अब इसे नीचे लेकर चलना है मुझे, धीरे धीरे आराम से आराम से आराम से, थोड़ा सा लेफ्ट करना है, अरे लेफ्ट राइट नहीं, अरे अरे बहुत तेज मूव हो रहा है, आराम से आराम से आराम से, नीचे नीचे नीचे, परफेक्ट हो गया। अरे मैंने साइड में रख दी बट ठीक है चलता है ना ऐसा। अभी क्रेन को पहले तो मैं वापस उस पोजीशन पे कर देता हूँ और इसको पहले डालते हैं ड्राइविंग मोड पे और इससे बाहर निकल जाते हैं। चलो भाई फर्स्ट डे मैंने बहुत अच्छे से काम करा भाई कंस्ट्रक्शन का, टेक्नो कंस्ट्रक्शन जिंदाबाद हेलो क्या ही? अभी देखते हैं मेरे को पैसे कितने मिलने हैं इस काम के, आई होप मेरे को $1,000 तो मिलने चाहिए यार, बट हाँ जो भी है अभी ट्रक को लेकर यहाँ से निकलते हैं, पता चला ये हमारा बस टेस्ट हो रहा है, पैसे वैसे नहीं मिल रहे इस काम के बहुत बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और दुख अलग होगा। बाकी अभी मुझे इसको छोड़ने जाना है कितनी दूर, 554 meters, मैं से माइल्स बोलूंगा फॉर फील, मतलब ऐसे मीटर बोलने में यार बहुत कम लगता है। अरे अरे आराम से भाई, बातों बातों में ये क्या कर दिया मैंने, मुड़ना पड़ेगा, मेरा ध्यान कहीं और था और मैं ट्रक पे ड्रिफ्ट लग गई बहुत गंदी वाली, पीछे आगे सही है कहीं ठुका है नहीं बस मुड़ा है बहुत खतरनाक तरीके से। एक तो ये बड़ा इतना ज्यादा है ना, अगर इसे मोड़ना है तो पहले से ही एकदम रोटेशन मारनी है ताकि रोड रोड पे रहे फुटपाथ पे ना चढ़े। बाकी गाइस एक बार आप लोग वहां सामने माउंटेन के पीछे देखो क्या क्लियर वेदर है, कि मतलब पॉल्यूशन है ही नहीं, मून नजर आ रहा है हमें दिन के टाइम में, मतलब असली में भी दिखता है इंडिया में भी दिखता है बट कभी कभार वैसे गेम है तो चलता है। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, मुझे इसे यहाँ पर एकदम मस्त तरीके से पार्क करना है, डन भाई। हे पे गए यहाँ पर भी आ गया तू, चलो उतरना है मेरे को भी बाहर, इससे दोबारा बात करते हैं, नया काम देगा अभी हमें, आज का काम हमने सही से करा। Thanks to your quick action replacing that broken thank you. The water supply is repaired and back on. Chal gaya, theek hai. Thank you. Since we're finished here, maybe you could chup, likh ke bata, dimag kharab kar de, itni dheere dheere baat karta hai ye. Theek hai, note. A job, a favor on accepted. To hame koi nayi job mili thi, humne accept kar li hai. Construction stage A courtyard. Enter flat bed truck. Okay, ye flat bed truck hai. मुझे इसके अंदर बैठना है और कोई जो नई हमें जॉब नया टास्क नया मिशन मिला है मुझे वहां पर जाना है, वहां पर चलते हैं जल्दी से, दूर है थोड़ी सी जगह बट यार अपना ट्रक ठीक है 50 km/h पर चल रहा है तो पहुंच जाएंगे जल्दी से। मुझे तो गाइस ऐसा लग रहा है कि जो मुझे फर्स्ट टास्क मिला था ना वो टास्क सचमुच में डिफिकल्ट था, और अगर वो डिफिकल्ट नहीं था तो आगे चलकर जो आने वाले ना टास्क इस गेम में वो सचमुच में बहुत ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन के भी हो सकते हैं। फिलहाल मैं इस ट्रक को लेकर यहाँ पर पहुंच चुका हूँ और हेप थक है यहाँ पे। ओके ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, करना क्या है मैं यहाँ पर मुझे बताएगा, पहले तो इससे मेरे को बाहर निकलना है। स्पीक विद हेप, तो चलकर मुझे इससे बात करनी है, लेट्स गो।
बता भाई क्या करना है हमें. ओके चुप रह, फालतू की बातें कर रहा है. तो अपना टास्क है एंटर दी सोइल कॉम्पैक्टर. इसको हम लोग रोड रोलर बोलते हैं. यार गेम खेलने से काफी सारे वर्ड सचमुच में नए पता चलते हैं. मैंने इसे बचपन से ही रोड रोलर बोला है, मेरे को आज पता चला इसे सोइल कॉम्पैक्टर बोलते हैं. ठीक है, नहीं यार रोड रोलर ही बोलेंगे इसे. मुझे ये जितनी भी ग्रेवल है ना यहाँ पर देख रहे हो, मतलब शायद से कोई नया मोटेल बना है, मतलब ये होटल टाइप ही होता है लोगों के रहने के लिए. तो शायद से ये इनका पार्किंग एरिया है और यहाँ पर ना ये नई सड़क बनी है, तो इन्होंने ग्रेवल लाके डाल दिया. बट मुझे इसे फ्लैट एकदम करना है, एकदम मतलब बन जाए. अभी ये देख रहे हो कैसा अजीब सा दिख रहा है, ये कंप्लीट करना है. बट हेलो, मैं यहाँ पर रोड रोलर चला रहा हूँ बट कुछ ऐसे फर्क पड़ नहीं रहा रोड पे. एक सेकेंड, मुझे शायद से इसका मोड वगैरह चेंज करना है, क्योंकि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है ना ये वेट नहीं डाल रहा, ऐसी फील आ रही है मेरे को. मैं इसे मोड़ता हूँ एक बार यहाँ से. छी, मैं सारा जगह खराब कर रहा हूँ. वेट वेट वेट, आराम से मोड़ता हूँ इसे. अरे अटक गया क्या? छी यार कैसा रोड रोलर है, पौधा नहीं पार कर रहा. आई थिंक गाइस मैं ही कोई गड़बड़ कर रहा हूँ. मुझे पहले चेक करना होगा कि मैं इसका मोड कैसे चेंज कर. ओ ये रहा, कॉम्पैक्टिंग ऑन स्लैश ऑफ. मुझे इसे ऑन करना है और अभी एक अलग आवाज आई, शायद से अभी जो है रोड बनना शुरू होगा. चल चल चल, हाँ वेट आ रहा है, वेट आ रहा है. ये देखो अभी ये जो रोड रोलर है धीरे धीरे चल रहा है और रोड बनने लग गई. यह अभी आप डिफरेंस देखो पीछे कैसा था और अभी कैसा होते जा रहा है रोड. तो मुझे इसे पूरा कम्प्लीट करना है. जितना भी इस मोटेल के आगे का एरिया है मुझे ये पूरा का पूरा ना बनाना है. यहाँ पर ये बन गया इधर का, इसको आगे लेकर चलते हैं. यार ये साइड कॉर्नर्स करने में बहुत टाइम जाएगा, बाकी इतना आगे ले जाने की जरूरत नहीं है. मैं इसे उल्टा करके ला सकता. ठीक है, तो बगल वाली जो लेन है ये मैं ऐसे कर दूंगा. नाइस, और ये जो छोटा मोटा बच रहा है मैं इसको बाद में कर दूंगा. और लिटरली बता रहा हूँ अलग ही सेटिस्फेक्शन फील हो रहा है यार ये करने में. छोटे मोटे ऐसे जैसे पावर वॉश सिम्युलेटर थे, उसमें सफाई करने में बहुत मजा आता था. पहली गेम थी उसमें सफाई करने में मजा आता है, उतनी सफाई घर में करूं तब नहीं आता मजा. ठीक है, बस 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 आगे. कॉम्पैक्टिंग ऑटोमेटिकली डिसेबल हो गई. ठीक है, मुझे पहले उसे ऑन करना होगा. कॉम्पैक्टिंग ऑन मतलब वो सिर्फ ग्रेवल पे ही चलेगी कॉम्पैक्टिंग, जमीन पे आते ही वो खराब ना हो इसलिए ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है. बाकी हमें 100% करना है. मैंने अभी 64% 65-67% कर दिया है, तो पूरा कंप्लीट करते हैं. यार ये बहुत सारा है, मतलब ज्यादा एरिया मैंने कर दिया है बट सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला कॉर्नर कंप्लीट करने में. 79% हुआ है अभी. बस 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 वापस लेकर चलते हैं. वो वाली साइड रह गई, रुक जाओ इसको इधर कोने में करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारा बचा है. डन, परफेक्ट. अभी इसे यहाँ से लेकर चलना है, ये वाली लाइन को पूरा करते हैं. शायद से जब 100 होगा ना तो ऑटोमेटिकली जो छोटा मोटा बचा है वो हो जाएगा. पता चला कॉर्नर वॉर्नर नहीं काउंट कर रहे तो अच्छा रहेगा ना. आई थिंक अभी 96 हो गया है, 98 99 100 हो गया सारा. मेरे को लग ही रहा था ऐसा कुछ होगा. डन, एंटर फ्लैट बेड ट्रक. अभी इसको यहीं पर छोड़ देते हैं. अभी मेरे को चलना है अपने वही वाले ट्रक में जो मैं लेकर आया था फ्लैट बेड. और हेप से तो नहीं बात कर रही ना, शायद कोई नेक्स्ट टास्क होगा इस मोटेल से रिलेटेड. जल्दी से चल के मैं बैठता हूँ. ड्राइव टू मॉन्यूमेंट होटल. ठीक है, अभी हमें किसी होटल पे जाना है पहले. नाउ ड्राइव टू मॉन्यूमेंट होटल एंड मैंने पढ़ा नहीं उसने क्या लिखा. तो गाइस अभी मुझे जाना है मॉन्यूमेंट होटल पे जो कि यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है. वहां पर जाकर हमें कुछ लेकर आना है और उसको लाकर यहाँ पर लगाना है. फिलहाल मैं ना शॉर्टकट ले रहा हूँ थोड़े बहुत. वेट, ये शॉर्टकट लेने लायक नहीं है क्योंकि उस पार मेरे को वेट उस पार नदी है और सामने जो जगह है ना वो मेरे को सचमुच में थोड़ी बहुत लॉस एंजेलिस जैसी लग रही है. मतलब अपना जो GTA का लॉस सैंटोस है कुछ वैसी सी लग रही है. तो अभी तक हम लोग जहाँ पर रह रहे थे ना, जहाँ से अपना गेम स्टार्ट हुआ है, वो एक आउटसाइड सिटी टाइप सिंपल टाउन था. बट अभी हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वो एक्चुअल में एक बहुत बड़ी सिटी है. मुझे नहीं पता था कि इस गेम का मैप इतना ज्यादा बड़ा होने वाला है. मुझे तो ऐसा लग रहा था एक बेसिक सा टाउन है उसी में सब कुछ कर रहे हैं. बट सामने देखो कि सचमुच में लॉस सैंटोस ही है. वो जो बीच वाली बिल्डिंग है ना वो मेरे को मेज बैंक टावर लग रही है और बगल में FIB टावर सब कुछ है यहाँ पर. तो हम लोग सिटी में एंटर कर चुके हैं तो मेरे को यहाँ से राइट मुड़ना है. भाई पता नहीं वहां से क्या लेकर आना है, बैंड बजने वाली है भाई मेरे को तो लग रहा है क्योंकि बहुत दूर ट्रैवल करना है भाई. ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है. तो चलते हैं. ये प्लेन वाला बंदा अभी भी उड़ा रहा है यहीं से. भाई सचमुच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत बड़ी सिटी है और जिस लोकेशन पे मैं पहुंचना था मैं पहुंचने वाला हूँ. बस वो थोड़ी सी पास है. हम लोग सिटी के एकदम अंदर नहीं जा रहे, थोड़ा बाहर बाहर से ही अपना काम है. बट हाँ सिटी के अंदर आ चुका हूँ, एकदम सेंटर में नहीं जा रहा. और यहाँ पर गाड़ी वाड़ी वैसे ही खड़ी है नॉर्मल. मेरे को लग रहा था यहाँ के शायद और अच्छी अच्छी कार्स मिले. वेट, मुझे यहाँ से राइट मुड़ना है. अच्छा यहाँ पर कुछ तो वो रहा मॉन्यूमेंट होटल, मुझे वहीं पर जाना है. अरे सॉरी सॉरी, देखा नहीं मैं ऊपर देख रहा था. ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ट्रक लाकर यहीं पर खड़ा कर देते हैं. डन 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 हो गया. करना क्या है ये देखते हैं. मुझे सबसे पहले क्या करना है, तो ये है मॉन्यूमेंट होटल और ऊपर एक क्रेन लगी हुई है.
ईसीबी जेसीबी का बड़ा भाई, एंट्री दी टावर क्रेन। मुझे वो चलानी पड़े, मतलब पड़ेगी नहीं, चलाने का मौका मिलेगा, मैं एक्साइटेड हूँ वो चलाने के लिए। पर ऊपर कहाँ से जाऊंगा, यहाँ पर शायद से लेडर्स है, इधर से एंट्री के इधर, अच्छा सीधा एंटर ऐसे होगा। ओ हम लोग टॉप पे ही आ गए। ओके मुझे करना क्या है, लोड लेटर्स। ओ समझा, तो ये जो इसका बैनर है ना, बैनर तो नहीं कहेंगे इसे, ये जो प्रॉपर लेटर्स है ना इसके होटल के, ये हमें उठा कर लेकर जाने हैं वहाँ पे। कैसे उठाऊंगा, अच्छा देखो हमें मॉन्यूमेंट होटल का ना मोटेल ले जाना है, समझ रहे हो, सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ M चाहिए और O T E L चाहिए, समझ रहे हो, तो मोटेल बन जाएगा, तो हम लोग ये लेकर जा रहे वाले हैं। क्रेन को मैंने करा रोटेट, बस 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 बस, अभी इसका हुक कैसे आगे जाएगा। ये गया हुक आगे, डन, मेरे को आ रहा है थोड़ा बहुत समझ। अब इसके हुक को मुझे नीचे ले जाना है, तो ये आया नीचे, सिंपल कंट्रोल्स हैं, इसका हुक है। अरे यार ये बंद कैसे होएगा, मुझे ट्यूटोरियल नहीं देखने प्लीज। तो अभी मुझे इसे लेकर जाना है यहाँ से एकदम मस्त नीचे, वेट आराम से इसको लेकर आता हूँ मैं नीचे, वेट आगे नहीं, नीचे धीरे धीरे, आया 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 आया, परफेक्ट, बस 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 आराम से थोड़ा सा आगे, वेट थोड़ा सा आगे, अब मुझे इसे पिक करना है। उठा लिया मैंने एम को, अटैच हो चुका है ये, इसको लेकर चलना है मेरे को यहाँ से ऊपर। ओ आराम से भाई, मेरे को तो लगा टूटने वाला है, बट ठीक है मैंने इसे इजीली लोड करा है, मेरे को इसे ट्रक तक लेकर जाना है ना भाई, मस्त टास्क होने वाला है ये, इसको ट्रक तक ले जाना है। अभी इसको नीचे कर देता हूँ मैं, धीरे धीरे जाता रहेगा अपना, एंड काश अपना फोकस वहीं रहे तो सब कुछ मैं देखते भी रहूंगा। परफेक्ट जाएगा जाएगा भाई, एक एक लेटर्स मुझे ऐसे लोड कराना पड़ेगा, 5 बारी करनी है मुझे ये चीज अलग अलग लेटर्स के साथ। ओके तो अभी मैं मोटेल को काफी आगे तक लेकर आ चुका हूँ, एंड अभी मुझे इसे यहाँ पर ना लोड करा देना है, थोड़ा सा बस नीचे करना है, परफेक्ट। एक लेटर मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि बहुत सही दिख रहा है, अभी मेरे को इसको वापस ऊपर लेकर जाना है और इस तरीके से बाकी 4 लेटर्स को भी लेकर आना है, और शायद से एक लाना ही हार्ड था, अभी ना मेरा हाथ बैठ चुका है, तो जो बाकी है वो मैं बहुत फास्ट लेकर आऊंगा, मतलब मैं एक बार में अब दो कंट्रोल कर सकता हूँ जैसे की। ओके तो अभी मैं आ चुका हूँ सेकेंड लेटर के पास, थोड़ा सा ऊपर गए और इसको करा पिक, वेट नहीं आराम से ज्यादा जल्दबाजी नहीं, टी को मैंने पिक करा है, अभी सिर्फ चलता हूँ पीछे खींच के नीचे लाने और डाउन। भाई साहब ये तो सीधा ट्रक पे ही लेकर आ गए मैं, ओ को भी मैं पिक करके लेकर आ चुका हूँ, एंड शायद इस बारी मैं डायरेक्ट ट्रक के ऊपर ही रखवा दूं तो यार मजा आ जाएगा, मैंने 2-3 बारी ट्राई करा, बट ओ वेट इस बार मैं बहुत क्लोज आया हूँ यार, बट थोड़ा ना नीचे हो गया वरना आ गया था। चलो कोई नहीं, आ चुका है। ओके ओ भी यहाँ पर आ चुका है, और अभी बचा है, अभी 3 लेटर्स बचे हैं यार, ओ सॉरी अभी 2 लेटर्स बचे हैं, डन। ई को भी हमने पिक करा, यहाँ से वापस लेकर चलते हैं इसे नीचे। यार ये सही है, एम आतुरा है, मेरे को इस तरीके से ले जाना चाहिए था पहले, मैंने टॉप एंगल नहीं ले रहा था इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा था, टॉप एंगल लेने के बाद तो ये काफी इजी हो रहा है। देखो जैसे अभी मैं एक ही बार में मैंने लाकर रखवा दिया इसे, अरे यार ओ भाई ई को बड़ी मुश्किल से सेट करा है, ट्रक में ना अब ज्यादा जगह बची नहीं है इसलिए दिक्कत हो रही है, बट अब एक ही लेटर बचा है तो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होने वाला, एल पर जाना है, इजीली पहुंच चुके हैं, एल को भी हमने यहाँ से पिक करा, इसको लेकर चलते हैं ऊपर। ओ वेट टूट जाता अभी तो, अब बस मुझे ना ऐसे नीचे देखना है और अभी देखना मैं इसे कैसे लेकर आऊंगा कुछ ही सेकंड्स में। ये जो नीचे एकदम सर्कल आ रहा है ना, मेरे को सर्कल को बस ट्रक के ऊपर लाकर रखना है, और पोजीशन समझ लो यही है मेन, लैंडिंग पोजीशन सेट है, बस मुझे एल को नीचे ड्रॉप डाउन करना है धीरे धीरे से, बस वो इसके सेंटर में चले जाए और मैं इसे रख पाऊं, परफेक्ट। चलो भाई सब कुछ एकदम रेडी है, अभी पहले मेरे को इससे बाहर निकलना है, फाइनली भाई हमने कर दिया, अभी क्या करना है, एंटर फ्लाइट पैड, और मेरे को इसे वापस उस मोटेल पे ले जाकर एक एक चीज लगानी होगी भाई, काश खड़े करने गए डास को मेरे को लगाना नहीं है, भारी हो चुका है मुझे ऐसा फील हो रहा है, रेस देने में टाइम लग रहा है। पर वेट ये एरिया आप लोग देखोगे ना तो थोड़ा सा बेवर्ली हिल्स टाइप ही लग रहा है, मतलब कुछ शॉप वैसी सी ही है, मेरा शहर में जाने का मन है बट कोई नहीं, आराम से आऊंगा मैं बाद में, अभी फिलहाल वापस चलता हूँ मैं यहाँ से अपने उस छोटे से टाउन में। वैसे जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ उसको ये रॉन्ग वे दिखा रहा है, बट चलो कोई नहीं इसकी मान लेते हैं, वरना मेरे को ना ऊपर रास्ता पता है शॉर्टकट। अरे यार मेरे को वहीं से जाना चाहिए था, थोड़ा सा रॉन्ग वे जाता बट बहुत छोटा रास्ता पड़ता, अभी ये क्योंकि ना आगे आकर घुमा कर मुझे वहीं भेज रहा है। इस गेम में गूगल मैप यार बहुत ज्यादा खराब है, देखो यहाँ से मैं राइट कट ले सकता हूँ बट नहीं, ये कह रहा है पहले आगे जाओ वहां से पूरा घुमा के लाओ फिर जाना है इस रास्ते से, मतलब कुछ भी। इस गेम में मेरे हिसाब से डायरेक्शंस फॉलो करना थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो सकता है, गूगल मैप काफी सस्ता है यार यहाँ का। लेट्स गो, तो अभी मुझे सिर्फ 800 मीटर और दूर जाना है, पहुंच जाएंगे गाइस। अभी ना ये बस थोड़ा सा क्लाइंबिंग एरिया आया है और ट्रक की बैंड बच चुकी है, स्पीड 50 से ऊपर जा नहीं पा रही है, देख रहे हो मतलब इतने सारे जो पीछे पीस पड़े हैं ना ये शायद से हैवी है। ऑल जॉय गाइस, तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले अपनी लोकेशन पे, बस थोड़ी सी दूर और है, वैसे थोड़ी सी दूर भी नहीं, हम लोग पहुंच गए हैं।
शायद से यहाँ पर हेप भी होगा, शायद नहीं है। हमें सारा का सारा काम आगे का अकेले करना है। ट्रक यहाँ पर लाकर हमने खड़ा कर दिया है, अंदर लेकर चलना पड़ेगा क्या? वेट, थोड़ा सा घुमा के लाना चाहिए था यहाँ पर। ओह, मेरे को लग ही रहा था वहां पर खड़ा करना होगा। वेट, इसको पहले मैं बैक लेता हूँ और अभी मुझे यहाँ से राइट। यार सच में इसमें व्हीकल थोड़ा सा हैवी हो रहा है काफी, मतलब एकदम लाइट वाली फील नहीं आ रही कि व्हीकल का वेट लाइट है, बहुत हैवी लग रहा है। बस 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 डन, अभी मुझे इसे यहाँ पर लगाना है और शायद ये काम मैं इसके थ्रू कर सकता हूँ। तो पहले मेरे को इसे कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे सारे, चेंज मोड। ओह तो ये देखो, इसके भी यहाँ पर जो बेस है वो निकल चुका है। डन, तो यहाँ पर ये अपने पैरों पे खड़ा हो गया, टायर ऊपर जा चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, इसका पूरा कंट्रोल गाइड देखना है, क्या क्या मैं इसे कर सकता हूँ, चीजें उठा सकता हूँ, कहीं पर भी रख सकता हूँ। ठीक है, पीछे इसमें क्रेन है सिंपल सा, जो इससे सारा काम होगा। आई थिंक इस क्रेन के कंट्रोल भी कुछ वैसे सही हैं जैसे बाकी क्रेन्स के होते हैं। आई थिंक मैं इसे सही से यूज कर पाऊंगा। मुझे ये जो ऊपर देख पा रहे हो ना मोटेल, कुछ ऐसे लिखना है, तो इसको पहले निकाला बाहर। ओह नाइस, अभी इसको करना है मुझे रोटेट। एम उठाते हैं पहले, एम से लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको लाया मैं नीचे धीरे 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 धीरे, बस 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 बस, एम को करा पिक। ये इजी है, ये इजी है, उससे तो बहुत ज्यादा इजी है। क्रेन को एक्सटेंड कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वहां तक पहुंचाने के लिए भी तो कुछ चाहिए होगा। बस 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 बस, थोड़ा सा ऊपर। वेट वेट, आराम से आराम से, थोड़ा सा ऊपर 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 नीचे, चलो चलो एक्सटेंड होते रहेगी, नीचे करते रहूंगा। बस लग गया, एम लगा दिया भाई, एम लगा दिया, एम ओ टी ई एल कंप्लीट करना है मुझे। स्पेलिंग गलत ना हो जाए भाई, पैसे कट जाएंगे मेरे। अभी चलते हैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट पिक करने, मुझे इसे वापस से छोटा भी करते रहना है साथ के साथ। आराम से आराम से आराम से आराम से, ओ उठाना है मेरे को, और ओ उठाने के लिए मुझे इसे थोड़ा सा छोटा करना है। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, पिक ओ, और अब मुझे इसे अप करना है और साथ ही इसको एक्सटेंड करना है, स्टार्ट करना है धीरे धीरे ऊपर के साथ साथ। चलो भाई, ओ भी समझ लो लग गया, ऑलमोस्ट डन। बारी है अब एल की, तो उसे रोटेट करना है और लेफ्ट करके एल को करना है। वेट, पिक क्यों? अच्छा मैं पीछे हूँ, जैसे क्या है ना, थोड़ा आगे जूम करके पास का काम होता है और वैसे जूम करके दूर का। एक सेकेंड, मैंने एल पिक कर लिया, पहले टी चाहिए था, बट कोई नहीं, अभी एल आ चुका है तो इसे एकदम लास्ट में लगा देता हूँ। चलो एल भी लग गया, क्रेन को। अरे वेट, इधर के पीस उठाने में थोड़ा सा वो हो रहा था, बट अभी मैं समझ गया हूँ कि क्रेन का जो हैंड है ना पीछे वाला, ये पता बहुत अच्छे से मूव कर सकता है यार कहीं पर भी, मतलब अच्छा सा लग रहा है इसे देख के और काफी सेटिस्फेक्शन फील आ रही है, सेटिस्फेक्शन फील आ रही कटेगा। इस काम को करने में यार सचमुच में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन हो रही है, मतलब मजा आ रहा है जब भी मैं एक एक ब्लॉक लगा कर आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों आ रहा है बट आ रहा है। थोड़ा सा बोरिंग टास्क भी है, बट जब पीस एक लगता है और फिर जब ऐसे लिखा हुआ दिखता है, ये देखो एम ओ ई एल मोएल, टी बचा है अभी, और क्रेन को एकदम प्यार से रोटेट करना। देखो ये वाले बटन से इसके हैंड रोटेट होंगे, और आराम से इसको पहले ऊपर ले जाना है और साथ के साथ रोटेट करना है, और इसे वेट वेट वेट, इसको छोटा भी करना है, तो भी दोनों काम होते रहेंगे। तो अभी बस मुझे टी पिक करना है, और उसके लिए मुझे क्रेन का हैंड एकदम छोटा करके पीछे ले जाना होगा, बिल्कुल पीछे आ गया शायद, ऑलमोस्ट थोड़ा सा और पीछे ले जाना है। कैसे होगा वेट, अगर मैं इसको थोड़ा सा अप करूं, अप करूं, आराम आराम से अप करूं, और इसका हैंड नीचे करूं, सब पॉसिबल है भाई, सब हो जाएगा, हर जायर की चीजें पिक हो सकती हैं। डन, इसको उठाया, ऊपर लेकर आ चुका हूँ। अब इसकी हाइट बढ़ाते हैं, आराम आराम से थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि जल्दी पहुंचे। बस थोड़ा ऊपर, हाइट मेरे हिसाब से परफेक्ट है, बस मुझे इसको एक्सटेंड करके वहां तक ले जाना है, और ये पहुंच गया शायद, रोटेट करना है बस थोड़ा सा एक्सटेंड, और टी भी प्लेस। डन भाई, सब हो चुका है, बाहर निकलो गाड़ी से, थक गया मैं सच में। एक काम मस्त, वेट क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टेज भी क्रेन वर्क, चेंज मोड, क्या करना है मुझे, ऑटोमेटिकली रीसेट द लोडिंग क्रेन बाय प्रेसिंग इन। ओके ओके ठीक है, मेरे को इसे हटाना होगा ना, तो मैंने इसे हटा दिया नॉर्मल से, इस पे ले आया रीसेट, ऑल डन। तो क्रेन भी एकदम वापस रीसेट हो चुकी है, क्लियर द कंस्ट्रक्शन साइट। ठीक है, अभी बस मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, अपना काम हो गया, हमने यहाँ पर मस्त रोड कंप्लीट कर दिया, मोटेल लाके लिख दिया। चलो भाई, बात तो नहीं करनी इससे, हेप से क्लियर करनी है, इसका मतलब सफाई तो नहीं करनी, बस ये निकालना, हो गया होगा, क्लियर हो गई। स्पीक विद हेप, ठीक है, इसको यहीं पे खड़ा करते हैं, हेप पीछे ही खड़ा हुआ है, इससे बात करते हैं, ये हमें नया मिशन। भाई आज छुट्टी कर दे यार, बहुत काम हो गया, अभी और कुछ मत दे, पैसे वैसे तो मिल नहीं रहे। Old Joe won't believe his eyes. The entryway looks better than when this place opened 30 years ago. Okay. You did an excellent job. Thank you. Even the recycled neon signs are working perfectly. You can finally see the motel from the highway. Yep. I'm sure it will start attracting tourists again. Thank you, Nicola. You can spare. पहले बिली की तारीफ कर रहा है। कंस्ट्रक्शन स्टेज है, ब्रीफिंग, ड्राइव टू गैस स्टेशन, ठीक है, कैट सिटी 660, इसी का नाम है क्या, मेरे को इसे वहां पर लेकर जाना है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, समझ गया। मुझे पहले मुझे गैस स्टेशन पे जाकर इसमें फ्यूल वगैरह भरवाना है, या फिर वहां पर कोई गाड़ी है उसमें भरवाना है। गाइस देखो, आज के लेना मैंने बहुत सारा कंस्ट्रक्शन वर्क कर लिया है, और शायद मुझे भी आगे काम नहीं करना चाहिए। देख रहे हो, ये जो नेक्स्ट काम है ना, ये कोई सिंपल नहीं है, मुझे शायद से मिट्टी वगैरह उठा उठा के डालनी है इसके अंदर, कर देते हैं, उसके बाद में छुट्टी करने वाला हूँ। भाई आज बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया है,
लेट्स गो। इस गाड़ी को मैं छोड़ता हूँ यहीं पर गैस स्टेशन। नहीं नहीं, इस गाड़ी को यहाँ नहीं छोड़ना, शायद से इस जगह पे लाके पार्क करना है आराम से एकदम। वेट, राइट राइट राइट, बिल्कुल प्यार से इधर कर दूं। आ तो चुका हूँ मैं। पार्क कंस्ट्रक्शन मशीन। अच्छा ये है क्या कंस्ट्रक्शन मशीन? मुझे इसको यहाँ पर लाकर पार्क करना है शायद से। बस 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 बस, हो गया क्या? ऑल डन। अब देखते हैं इस वाले टास्क में मुझे क्या करना है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई गैस पंप खराब हो गया है। स्पीक विद हे। हाँ ये देखो सिंपल सिंपल काम है वाला भी। मतलब ये जो पीछे वो आप क्रेन देख पा रहे हो ना, उसने आके सारी मिट्टी निकाली है। और ये जो पुराने वाला है ना, ये पंप हो गया या फिर सिलेंडर, जो भी बड़ा सिलेंडर उसके अंदर गैस भरी जाती होगी, वो खराब हो गया। ये नया वाला आया हुआ है तो शायद से पुराना निकाल के नया लगाना है ना। जल्दी से बता दे भाई क्या काम है, मैं जाऊँ छुट्टी पे और काम नहीं करना। चल चुप रह। नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक ठीक ठीक, देख के ही पता चल रहा है अभी। एंटर फ्लैट बेड ट्रक। सिंपल टास्क है वाला, बहुत सिंपल है, 5 मिनट में कंप्लीट करूंगा इसे। टू गेट आउट द कंस्ट्रक्शन मशीन मस्ट बी स्टॉप्ड। ओके, तो बस मुझे यहाँ से हल्का सा राइट करना है ताकि मैं उसके थोड़ा सा क्लोज आ जाऊँ। अरे बस बस बस, अभी मेरे को इसे पहुंचाना है वर्किंग मोड में, ठीक है। तो वेट, ये मैं गया चेंज मोड और अभी हम लोग आ गए हैं इसको लिफ्ट करने, फिर मैं उसे उठाऊंगा। क्रेन को उठाना स्टार्ट करते हैं। अपना टास्क वन है लोड ओल्ड टैंक। तो जो नीचे रस्सी टैंक पड़ा हुआ है वो वाला पिक करना है मुझे। उसके लिए क्रेन को एक्सटेंड करना है, थोड़ा सा डाउन करना है और वहां तक पहुंचना है। बस बस बस, हो गया। नीचे आगे आगे आगे, थोड़ा सा फोकस करके करना पड़ता है काम, ऐसे तुरंत नहीं होता। लेफ्ट थोड़ा सा आगे, बस बस बस, आई थिंक हो जाएगा। पिक कर लिया है इसको, मेरे को पिक करना है मतलब अब लिफ्ट करना है। और राइट साइड एम्प्टी है थोड़ा सा एरिया, वहां ले जाके रखते हैं, काफी अच्छा खासा स्पेस है इधर। बस बस, अरे अरे अरे, फट मत जाइयो भाई पता लगा ब्लास्ट ही हो गया। ठीक है, इसको रखते हैं जमीन पे। ये नया वाला है, इसको आगे से पिक कर लेता हूँ, पास में ही है। उसको कहीं और तो नहीं रख कर आना। लोड ओल्ड टैंक। अच्छा पहले रुको, मैं अगर इसे उठा पा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, नहीं सही, मैं गलत कर रहा हूँ, अभी गलत कर रहा हूँ। मैंने गड़बड़ क्या करी, मेरे ट्रक में बहुत अच्छा खासा स्पेस है, मुझे इसको उसके अंदर रखना है। मैं इसे लगे हाथ फेंक कर भी आऊंगा ना, तो इसको उठाते हैं पहले आराम से एकदम। ये करा मैंने इसे पिक, वापस करा लेफ्ट और इसे मेरे को अभी रखना है ट्रक के ऊपर। तो एकदम प्यार से मैंने लाकर इसे यहाँ पर रख दिया है और अब मुझे जाना है नया वाला पिक करने के लिए। तभी मैं पहले नहीं कर पा रहा था। एक क्रेन चलाना भी एक थोड़ा सा अलग ही टास्क है यार, आराम से मेरे को इसे नीचे लेकर आना होगा। मतलब अलग अलग एंगल से देखना पड़ता है कि हम लोग सही ला रहे हैं या फिर नहीं ला रहे। अभी से करा लेफ्ट, ऊपर जा। अरे अच्छा हैवी है, गए ऊपर क्यों नहीं कर पा रहा मैं इसे, ज्यादा धीरे धीरे हो रहा है बहुत। ठीक है अब इसे जाना है, अरे लेफ्ट 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 लाना है मतलब। बस 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 बस, अब इसे पीछे करना है कि डाउन कर दू, शायद से डाउन में हो जाए। गया, हो गया। चलो भाई लगा दी है। एंटर बैक होए लोडर। इसमें जाना है? अच्छा उसमें जाना है। वेट पहले इसको मैं रीसेट करूं पूरा। डन, इससे निकलते हैं बाहर। अब जितनी भी मिट्टी बाहर निकली हुई है वो सारी की सारी मिट्टी मुझे अंदर डालनी होगी। ये चलाना थोड़ा सा इजी लग रहा है, इसी की यही होता है जेसीबी गाइस हमारे यहाँ पे। तो इसको मैं थोड़ा कंट्रोल देख लूं इसके पहले ताकि समझ आ जाए। ऐसे उठेगा, ऐसे डाउन है और मिट्टी। ओ नाइस, अच्छा दिख लग रहा है यार ये तो देखने में। वेट, भरा 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 मिट्टी भरा। तो अभी सारा मिट्टी लेते हैं यार, ये तो बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है मेरे को सच में। कितने परसेंट? अभी तो जीरो है, धीरे धीरे देखते हैं 100 हो जाएगा। इसको लाना है आगे। बस बस बस, इसे मैं डाउन कैसे करूंगा ये देखना है। रोटेशन, इससे अप एंड डाउन है, इससे रोटेशन है। परफेक्ट, सिंपल है। ये गया, वाह मस्त है ये वाला काम। ठीक है पीछे डाउन, आगे करना है मेरे को, एकदम रोटेशन मस्त है। लेकर चलते हैं फुल स्पीड में, सारा भर लूंगा। चल 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 चल, आंदो रोटेट। चलो भाई इस बार तो पूरा भरा है भाई, पूरा। बस बस बस, अरे टायर घिस गया। 39% हो चुका है एक बार में ही, और ये सेकंड टाइम है मेरा। ये सारी डाली मिट्टी इसके अंदर और ये हो गया 58%, यानी दो बार और करना है और हो जाएगा। तो ये करा सारा का सारा पिक, इसको करा रोटेट करके ऊपर, वापस से पीछे आगे। यार मेरा रियल में भी ऐसा चलाने का मन कर रहा है। डन, इसको करा डाउन, ये हो गया 77%। एक बार ही और करना है, काश एक बार में हो जाए, दो बार ना करना पड़े। अब चलो 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 चलो, आगे मिट्टी शायद, दोबारा से एक बार और पिक करता हूँ। डन, इसको करा रोटेट करके डाउन, इसके अंदर 80% से 98%। छी क्या घटेगा इसमें, 2% के लिए मुझे दोबारा से पिक करना होगा। कोई नहीं, थोड़ा सा कर लेते जल्दी से। चल भाई आ जा, बहुत है। बस बस बस, 2% हो जाएगा इसमें। चलो भाई, 2% की बात हुई थी, मैंने 20% भर लिया है। लास्ट था, इसको भी फटाफट से पलट देते हैं इसके अंदर। कंप्लीट, गड्ढा पूरा भर चुका है, मिट्टी यहाँ की वहां चली गई। और अभी बहुत हो गया, मेरे को कौन सी गाड़ी, अच्छा अभी यही वाली गाड़ी यही रहेगी, मुझे अभी इस ट्रक को लेकर जाना है। भाई साहब काम इतना ज्यादा इजी भी नहीं है यार कंस्ट्रक्शन का। गेम में ऐसी फील हो रही है तो पता नहीं रियल में क्या होता होगा। बट हाँ यार, गेम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने एक दिन में कुछ ज्यादा काम कर दिया। हमने पाइप रिपेयर करी, हमने एक रोड बनाया और उसके बाद हमने क्या करा है, हाँ हाँ हाँ,
हम उस मोटेल के लिए सारे लेटर्स उठा कर लेकर आए, वहाँ से उतारे, ट्रक पे लोड करे, फिर लेकर आकर वापस इंस्टॉल करे, और उसके अलावा हमने कुछ खास नहीं करा फिलहाल। हाँ, अभी हम लोग शायद से नेक्स्ट मिशन के लिए जा रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि भाई बहुत हो गया यार कंस्ट्रक्शन का काम। अभी रुको, मैप खोलो, मैं अभी बाकी काम बाद में करूंगा, मेरे को मैप में ना कुछ देखना है। यहाँ पर बहुत सारी शॉप मुझे दिखी थी पहले। अरे यहाँ पर ये मेरा घर है ना, कंपनी प्रीमिसेस, दिस इज योर हेडक्वार्टर्स। ठीक है वहीं चलते हैं। अभी और कुछ तो है नहीं इस शहर में, मेरे को लग रहा है खास करने के लिए काम आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन वाले, वो मैं बाद में करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। यार मुझे ना यहाँ पर कहीं बर्गर की शॉप दिखी थी, अब पता नहीं वो मेरा वहम है या सही में थी। वैसे जहाँ पर दिखी थी ना वो जगह ज्यादा दूर नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार चल के देख ही लूँ, शायद से यही है वो जगह। लिखा तो हुआ है उसके ऊपर, नहीं ये नहीं है। ओ गाने बज रहे हैं वॉइस वाली वैन में, मस्त एकदम। नहीं यार, नहीं कोई बर्गर कंपनी नहीं है यहाँ पर। फिलहाल ये अपने हेडक्वार्टर्स हैं, जो कि मैंने मैप में देखे थे, और मैं यहाँ पर अपना ट्रक लेकर पहुंच चुका हूँ। लो प्लीज, ओ नाइस, गेट ओपन कर दे। मैं बोलने ही जा रहा था ओपन द गेट, बट टाइम पर ही ओपन हो गया। कहाँ है हेडक्वार्टर, कौन सा है इसमें से, ये छोटे वाला? ये कैसा हेडक्वार्टर है? टेक्नो कंस्ट्रक्शंस, वो रीबिल्डिंग अपनी। ये देखकर मुझे इतनी खुशी हुई है ना भाई, सच में मैं तो भूल ही गया था हमने कंपनी भी बनाई थी। वो देखो ऊपर लिखा हुआ है टेक्नो कंस्ट्रक्शंस। भाई क्या बढ़िया तरीके से लिखा है कि पढ़ने में ही नहीं आ रहा यार, सच में बिल्कुल ब्लैक कलर से लिख देते यार। और कहीं लिखा कि बस एक ही जगह? वेट, यहाँ पर मैं अंदर, वाह अबे अंदर तो जाने दो, यहाँ से नहीं जा सकता मैं, गेट कहीं और से है क्या? यार ये गलत बात है भाई साहब, इतनी बड़ी कंपनी खुल गई, उसका पार्किंग ही इतनी ज्यादा बड़ी है, बट अंदर नहीं जा सकते। एक मिनट रुक जा, कूद के देखता हूँ यार। ऑफिस तो लग रहा है बने हुए हैं एकदम बढ़िया वाले, ये गाड़ी खड़ी करने के लिए है, आगे भी कुछ ना कुछ तो होगा। पर छोड़ो यार, अब जब अंदर ही नहीं जा पा रहे तो फिर क्या है, शायद से मेरे को और मिशन करने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर ये अनलॉक होगा, देन मैं इसके अंदर एंटर कर पाऊंगा। फिलहाल आज की वाली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन सिम्युलेटर का ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस गेम को कंटिन्यू करूं, तो जाकर यार वीडियो को लाइक करना। अगर 5 लाख लाइक कंप्लीट होते हैं तो हम लोग इस सीरीज में फुल ग्राइंड करने वाले, इसको पूरा कंटिन्यू का पूरा एंड कर देंगे इसको। तो जाओ लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में जाकर जरूर बताना कि आपको गेम कैसी लगी। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।